बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामिन नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्लास नंबर 280 यानी 280 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है ये गुज़िश्ता से पेवस्ता है। लास्ट में हमने बिजली चोरी, कुंडे और इलीगल मेन लाइन से कुंडे लगाने के हवाले से जो है हमने क्लास किया था। और मैंने लास्ट आपको बताया अभी तक कि ये फिर मैं बताऊंगा कि ये जो मीटर है किसकी मलकियत होती है, क्या ये बिजली वाले आपसे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। अगर ले जाते हैं तो क्या वो चोरी के ज़ुमरे में आता है कि नहीं, आप उनके खिलाफ FIR काट सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए कौन सा सेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वो अवेलेबल है। तो चलते हैं, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले तो ये जहन में रख लें कि जब भी हम कोई मीटर लगाते हैं तो बाकायदा हम उसके लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, फिर वो वहाँ से सर्वे करते हैं और फिर जाके बिजली के अहलकार जो है वो मीटर लगाते हैं, उसके हम बाकायदा पैसे जमा करते हैं। तो इस हवाले से अगर किसी वजह से आप बिजली जो है बिल अदा ना कर सके तो वापडा अहलकार जो है या जो बिजली सप्लाई वाले हैं वो मीटर हरगज़ उतार नहीं सकते, ये जहन में रखें। लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर आ जाते हैं मीटर उतार सकते, लेकिन लीगली वो मीटर नहीं उतार सकते। इसकी वजह ये है कि मीटर जो है ये आपकी मिल्कियत होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत है और इसकी जो उसका जो सेक्शन है वो 26 सब सेक्शन 3 है। सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 यानी 26 एन ब्रैकेट जो है 3 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का दफ़ा जो है 26(3) उसके तहत ये आपकी मिल्कियत है, ये आपसे नहीं ले जा सकते। और अगर वो ले जाते हैं तो आप उनके खिलाफ जो है मुतालिका सेक्शन, अगर चोरी के सेक्शन यानी बकायदा उसके जो सेक्शन है वो 378 या 424 के तहत, यानी अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी कोई आपकी मर्जी से आपकी मर्जी के बगैर ले जाए तो वो चोरी के ज़ुमरे में आता है, तो आप 378 या 424 के मुताबिक जो है उसके खिलाफ FIR काट सकते हैं, काटते हैं कोई भी चीज़ ले जाए। तो ये भी चूँकि मूवेबल है, ले जाने वाली चीज़ है, तो इसलिए जो है इसके खिलाफ आप FIR काट सकते हैं। अब हम वो सेक्शन पढ़ते हैं कि 26(3) क्या कहता है। तो जब हम 26(3) पढ़ेंगे तो और भी आसानी से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का। जब हम ये जो एक्ट है ये एक्ट नंबर 1910 है, 18 मार्च 1910 को जो है ये नाफिज हुआ था। और दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 एट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जो है हम 26 सब सेक्शन 3 जो है वो पढ़ते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगी ये बात। ये हम जब सेक्शन 26 पढ़ते हैं और इसकी जो 3 है वो इस तरह बोलता है, वेयर द मीटर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एंड अदर मेजरिंग एपरेटस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंज्यूमर ही शैल कीप द मीटर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एंड अदर मेजरिंग एपरेटस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंज्यूमर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर की प्रॉपर्टी है, जिन ये जो आप इस्तेमाल करते हैं आपकी प्रॉपर्टी है। ही शैल कीप द मीटर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एंड अदर मेजरिंग एपरेटस करेक्ट एंड इन डिफॉल्ट ऑफ हिज डूइंग सो द लाइसेंसी, यानी लाइसेंसी जिससे आपने लिए सप्लाई कॉरपोरेशन, में आफ्टर गिविंग हिम 7 days नोटिस फॉर सो लॉन्ग एज द डिफॉल्ट कंटिन्यूएशन। अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं, बिल नहीं जमा करते कोई, तो आपको 7 days की नोटिस दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जाके मीटर ही आपके ले जाए। सीजेस टू सप्लाई एनर्जी, या सप्लाई एनर्जी इसको सीज कर लेते हैं थ्रू द मीटर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एंड अदर मेजरिंग
apparatus. ये इस तरह कर सकते हैं, इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि वो जाके आपके मीटर ले जाएंगे, जबकि ये अपने तौर से जो है वो यहाँ उठा के मीटर भी ले जाते हैं, जबकि ये चोरी के जुमरे में आता है। एक तो ये कहते हैं आपसे कि आप वहाँ से बिजली चोरी करते हैं, जब ये आपके मीटर ले जाते हैं तो ये भी चोरी के जुमरे में आते हैं। तो मीटर जो है ये आपकी मिल्कियत है, 26 सबसेक्शन 3 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के मुताबिक। तो ये इनको जो है किसी भी हवाले से ये पावर नहीं है कि वो कौन, अगर किसी वजह से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बिजली का बिल अदा न कर सके तो वापडा अहलकार, ये तो वापडा लिखा यानी बिजली अहलकार को मीटर हर किसी ने उतारने दें। मीटर आपकी ज़ाती मिल्कियत है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत बिजली सप्लाई कंपनी सिर्फ आपका कनेक्शन मुनक़त कर सकती है। अगर कोई वापडा लेकर आपका मीटर काट कर साथ ले जाए तो आप कानूनी तौर पर अहलकार के खिलाफ ताजीरात पाकिस्तान के दफ़ा 378 और 424 के तहत एफ आई आर दर्ज कर सकते हैं, सेक्शन 26(3) द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। उसमें 26(3) में ये डायरेक्शन तो नहीं दिया गया कि आप जाके उसमें एफ आई आर काट सकते हैं, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसमें ये क्या है कि आपकी ज़ाती मिल्कियत है, तो अगर आपकी कोई ज़ाती मिल्कियत जो मूवेबल प्रॉपर्टी और कोई आपकी मर्जी के बगैर ले जाए तो उस पर 378 और 424 लगता है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन इस अंदाज से किया। तो आज उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।